शास्त्रों में वो सुंदर वाक्य दिया है, नये कथम प्रकार हम साधवो विस्मरंती। आप लोगों ने सुना होगा, हम सज्जन किसे कहे, सदाचारी किसे कहे, ज्ञानी किसे कहे, किसको कहना? तो आचार्य कहते हैं जो किया उपकार को कभी भूलता नहीं है वो सज्जन माना जाता है। वैसे आप लोग कहते भी हैं कल वृक्ष फल देता है। कौन फल देता है? कल वृक्ष फल देता है। लेकिन आचार्य कहते हैं किम किम न साथ कल्प लेती में विद्या। ये ज्ञान जो भी है कल्पता के समान है, कल्पक्ष के समान है, विद्या उससे भी बढ़कर है, कल्पक्ष से बढ़कर ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से आप क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते, जो चाहो आप इस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते संसार में भी, और इतना नहीं आगे मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की महिमा अपरंपार है, जो चाहो इस ज्ञान के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। वर्तमान में जो उपलब्धि हो रही है वो भी सब ज्ञान की ही महिमा। अब आचार्य कहते हैं दो प्रकार के ज्ञान इसमें, एक लौकिक ज्ञान और एक पारमार्थिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान जो भी संसार के लिए काम में आता है, और पारमार्थिक आत्मकल्याण के लिए। पारमार्थिक आत्मिक शांति चाहिए तो पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों होने चाहिए। आचार्य कहते हैं लौकिक ज्ञान के साथ साथ ये पारमार्थिक ज्ञान हो तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान कराए बिना हमारे धर्म को, समाज को, परंपरा को, इसको बचा नहीं सकते, पनप नहीं सकता है हमारे धर्म भी, समाज भी, परंपरा भी, और अपने जीवन भी पनप नहीं सकता। इसके लिए पारमार्थिक ज्ञान आवश्यक है, जरूरी है। वैसे तो तिरंजीव रखते हैं लौकिक ज्ञान जो भी, तिरंजीव रखते हैं। देखते आप लोग वर्तमान में डॉग पालते कुत्ता, उसकी भी सिखाते, वो भी सीखता है, और चोर को पकड़ता है, उसके पास भी तिरंजीव रखते हैं। जितना अपने को आवश्यक है उतना ज्ञान, तो आप भी वही कर रहे हैं, तो अंतर क्या है तिरंजीव में और मनुष्य में, अंतर क्या है? तो ने कहा पारमार्थिक ज्ञान यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आपका मनुष्य जीवन सार्थक है। अभी आप लोग यहां भगवान के चरण में बैठे, चंद्रपुर भगवान उनके सम सानिध्य में बैठे, आचार्य गुरुमद के सानिध्य में आप लोग यहां बैठे। यहां जो मुख्य रूप से भव्य जिनालय बन रहा है, ज्ञान विद्यापीठ चलता है, हथकरघा चल रहा है, गौशाला, और यहां जो भी अन्य धर्मशाला आप लोगों का, यहां इस हॉल में बैठे आप लोग, ये माइक लगा दिया, प्रवचन सुन रहे, ये किसकी महिमा है? महिमा किसकी है? ये ज्ञान का ही महिमा है, ये ज्ञान ही है। स्वतंत्रता होने के बावजूद भी हमारे देश में गांव गांव में, नगर नगर में शिक्षा की परिपाटी बढ़ी हुई है, नितने प्रयोग हो रहा है, किए जा रहा है, लेकिन जब तक हम लोगों के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होगी पढ़ने की, ज्ञान लेने की, ग्रहण करने की, तब तक से कोई लाभ नहीं होता। उसके लाभ उठाना चाहिए, और मुख्य रूप से ग्रहण करने योग्य ये ज्ञान ही है। यथार्थ ज्ञान जब तक ग्रहण नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, ग्रहण नहीं करते आप,
तब तक जीवन में वह दुखी रहता। दुख जो सुख है ज्ञान के अंदर ही ये दोनों विकल्प होते हैं। विकल्प क्या है? विकल्प ही दुख है। विकल्प रहित, विकल्प रहित वो ज्ञान जो भी काम में आएगा, इसलिए यहां समाधि चल रहे। समाधि देखा आप लोगों ने, समाधि धी का अर्थ बुद्धि, सम का समता भाव है। राग द्वेष रहित जो ज्ञान होता है वो अपने काम का है, वही मुक्ति दिलाने वाला है। आप जो भी परमात्मा बन सकते उसके माध्यम से, तो वो ज्ञान हमारे अंदर है, सुप्त पड़ा हुआ है, व्यक्त नहीं हुआ। उसको व्यक्त करने की कला हमारे पास यद्यपि है, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते उसका। बाहर जो भी देवशा गुरु निमित्त बनते, वो उपदेश देते, उपदेश के अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उपदेश को सुन करके यदि आप लोग उस कला को उजागर कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, व्यक्त होने के बाद आप भी गुरु बन जाएंगे, आप भी परमात्मा बन जाएंगे। अपने पास ही आत्मा है, गुरु आत्मा, आत्मा ही अपने गुरु है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा जब तक नहीं बनेंगे तब तक सहारा लेना पड़ता है देवशास्त्र गुरुओं का। किसके लिए? हमारे ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ज्ञान नहीं क्या? प्रत्येक के पास ज्ञान है, लेकिन उसको जो प्रकट कैसे करना? बिना निमित्त के होता नहीं है। जैसे आप लोग कोई ओलंपिक में जाते हैं, कोई लड़का एक ही बार में नहीं जाता, 5 साल पहले प्रैक्टिस करता हो, इसका मतलब उनके अंदर क्षमता है। 5 साल के बाद चला जाएगा तो उस समय नंबर आएगा उनका, उसके पहले नहीं। इसका मतलब अंदर ही उनका क्षमता है। उसी प्रकार आप लोगों के अंदर इतना क्षमता है उस ज्ञान को जो भी प्रकट करने की, लेकिन निमित्त को लेकर के पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ कोई काम बन नहीं सकता। तो यह उदाहरण रूप याद आ गया, याद आता नहीं है लेकिन आ गया। अब हम लोग आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, ज्ञान की महिमा कैसा रहता है। धारा नगरी आप लोग सुना होगा, धारा नगरी आज भी धारा नगरी है, मालवा। धारा नगरी में राजा भोज राज करता था, समृद्ध नगरी। इस नगरी में डग डग पर जो भी नीर और पग पग पर रोटी, सुन रहे क्या नहीं? यहां जो भी सर्वत्र अतिथियों का स्वागत होता था। इस प्रकार संपूर्ण नगर में तालाब जो बना हुआ था सुगंधी पानी से भरा हुआ, विद्वान लोग बैठे रहते। राजा भी दूर का सत्कार करता है, उनका जो भी पुरस्कार करता रहता है। वो खुद भी कवि है, उनके दरबार में अनेक विद्वान भरे रहते थे। और उसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण भी था, अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहता हो। गरीबी सबसे मान शत्रु है। दिन में कोई काम करता, थोड़ा बहुत जितना मिलता है उतने शाम के समय ला करके वो सब खा करके रहते हैं। दोबारा मिले कोई भरोसा नहीं, ऐसे जीवन चलता था उनका। एक दिन पत्नी कहती है, बच्चे भूखे हैं, कुछ लेकर आओ। वो गांव में चला गया, लेकिन कर्म धर्म ऐसा है, कर्म से मारा हुआ, कुछ काम नहीं मिला, दुकानदार ने उधार नहीं दिया, अब क्या करना। दिन भर घूम करके वापस आ गया। बच्चे कह रहे हैं, मां कहते हो हम भूखे, कुछ खिलाओ, कुछ दे दो खाने के लिए, अभी आपके पिताजी लेकर आते होंगे, आने के बाद तत्काल भर खिला दूंगे, थोड़ा सब्र रखो। जैसे देहरी पर पैर रखा, अंदर से आवाज सुनाई दी, मां कुछ दे दो, इतना भूख लगे, अभी अभी पिताजी लेकर आ रहे, तत्काल मना कर दे दूंगी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा रखो। उन्हें सुना वचन, सोचने लगा अब मैं खाली चला जाऊंगा अंदर, बच्चे भी नाराज हो जाएंगे, पत्नी भी नाराज हो जाएगी, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा तब तक अभी लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। इस अपेक्षा से
संतुष्ट रहेंगे वो, तो वापस लौट गया। शाम हो गया था, अंधेर हो गया था, एक पेड़ के नीचे चला गया, सोचने लगा अब मैं बच्चे को पत्नी को खिला नहीं सकता, पेट भरा नहीं सकता, मैं जीने के क्या अधिकार है। उनके मन में ऐसे उदेड़ होने लग गया, उसी में वो पेड़ के नीचे वही सो गया। रात में नींद लगी उनको, यहां घर में पत्नी बच्चे भूखे बिलबिलते हुए यहां सो गए। कैसे स्थिति जीवन का देखो, सुबह 4:30-5 बजे उठ गए, नींद खुल गए, देखा दिग्भ्रमित हो गए, क्या करना, पत्नी से बच्चों से इस जो दुख से छुटकारा पाने के लिए एक ही मार्ग है, क्या करना, पास में नदी है वहां जाकर के छाती पर जो भी पत्थर बांध करके डूब करके मर जाना, काम खत्म हो जाएगा, सोच करके वो नदी किनारे चला गया। नदी की ओर चल पड़ा, चले गए किनारे पर जाकर के पत्थर ढूंढने लगा। उसी समय एक किसान जो भी अपने खेत में मक्का तोड़ने के लिए आया था, भुट्टा रहे थे ना मक्के के भुट्टे तोड़ने के लिए आया था, दशहरे का दिन है, आ तोड़ कर बाजार में बेच दूंगा, घर आ जाएगा। तो उस समय उनका नजर पड़ा ये कोई ब्राह्मण है, नदी किनारे नहाने के लिए आया, तो उन्हें आवाज दे दिया, ब्राह्मण महाराज जी आ जाओ। वो घबरा गया एकदम, इनको कैसे मालूम पड़ेगा मैं आत्महत्या करने के लिए आ गया। आप लोग बोलते ना चोर के मन में चांद, बोलते ना आप लोग, उसी प्रकार वो घबरा गया, इनको कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, इधर आओ कहते हो। उनको बुलाया, बुलाने के बाद क्या दर्शाता हो, मैं नहाने के लिए आया था, कपड़े धोने के लिए आया था, कोई बात नहीं कहते हो, ये ले लो 3 मकाई दीजिए उन्हें, 3 भुट्टा। उन्हें सोचा अच्छा हो गया, कुछ नहीं मिल रहा था, 3 मकाई तो मिल गया, उसको कपड़े में बांध करके ले गए। और इधर किसान जो भी है मक्का तोड़ करके भुट्टा बाजार में ले गया, क्योंकि बोनी अच्छे होने चाहिए, बोनी अच्छे हो जाए सब बिक जाएंगे, किसान अच्छे रहते, बहुत अच्छे रहते किसान। वो दे दिया चला गया, 3 भुट्टा क्यों दिया, 3 जो भी शुभ संख्या है, लोग 3 है और आपका काल 3 है, आपका रत्नत्रय 3 है और आपका सहज महोदय बोलता है 1 बार 2 बार और कितने बार, 3 बार। महाराज जी 3 बार होता है, ये फुल बेंच है, शिव संकेत है, इसलिए उन्हें भी 3 मकाई दे दिया। वो लेकर बांध करके रख दिया, अरे कपड़े डाल करके डुबकी लगाने लगा। उसी समय कर्मधार सिंह उसे वहां जो गाय चरण बच्चे आते हैं, वो 3 बच्चे आ रहे थे, उनके हाथ में जो आधे जल लकड़ी थे, कई स्मशान पड़ा होगा, ले लिया, आ रहे थे वो, आते आते किनारे से जाते समय वो मकाई की ओर दृष्टि गई उनकी, बच्चों के क्या है, बच्चों ने खोलकर देखा, अरे मक्का है भुट्टा है, वो ले लिया बच्चों ने और उसमें लकड़ी रख दिया, वो चले गए। इनको कुछ मालूम है नहीं, ये सोच रहा है दशहरे का दिन है आज, सभी लोग जा रहे राजा के लिए फल फूल दे रहे, राजा उनके लिए कुछ दे रहे दान में, उसी प्रकार मैं भी चला जाऊंगा, ये दे दूंगा 3 मक्का भुट्टा और मुझे राजा कुछ दे देगा, कुछ दिन तो चलेगा हमारा जीवन, ये सोच करके वो नहा करके आ गए, धोती पहन लिया और वो गट्टा उठा दिया, लाइन पर लग गए राज दरबार में, सब लोग नंबर, सब लोग का नंबर हो गया, इनका नंबर आ गया, इन्हें थोड़ा सा खोल कर देख लिया, अरे क्यों क्या चमत्कार है क्यों, उस किसान ने मेरे साथ किसने मजाक किया, अब राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, अब मुझे तो कोड़े मारेगा, बंद कर देगा जेल में, अब क्या करना, वापस भी जा नहीं सकते, सामने जो होगा होगा, जेल में कम से कम 2 बार भोजन तो मिलेगा, दो बार भोजन तो मिलेगा, सोच करके वो आधे जेल लकड़ी को उनके सामने रख दिया, रखते राजा आग बबूला हो गया, ये क्या मजा खा के जो आ दशहरे के दिन किसी ने जो भी
मेरा अपमान कर रहा कि कौन सोचा कहते हो, सिपाह कहते हो उसको बांधो कोड़े मारो कहते हो, सिपाहियों को बांध दिया। तो उसी दरबार में धनंजय कोई बैठे थे, धनंजय करके बहुत प्रभाव था, बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे वो। उनने सोचा आज ब्राह्मण के ऊपर गरीब के ऊपर संकट आ गया, इस संकट को मैं दूर कर सो तो मेरे ज्ञान किस काम का कहते हो, मेरे ज्ञान किस काम का है, अवश्य मैं दूर करूंगा संकट को। सोचा तो धनंजय कोई बोलते हैं राजन सुनो कहते हो, राजा कहता कवि मोर है आप अपने ज्ञान के माध्यम से हमें हमेशा बहकाते रहते, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं, राजन इनको धन दूंगा मैं। राजन आप तो न्यायकर्ता है, आप राजा है, धन देने का अधिकार है आपका, आप अवश्य दे दो, लेकिन उसके पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात से सुनो। आप लोग कहते ना महाराज जी सुनो तो सही, आचार्य श्री कम से कम बात सुनो, आचार्य श्री सुनो तो सही, हम कहां से डोंगरगढ़ से आ गए, डोंगरगढ़ से। अरे भैया सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं हम, कम से कम सुनो तो सही। तो धनंजय कवि ने कहा राजन एक बात तुम्हें सुन, बताए कहते हो आप क्या कहना चाहते, क्या बोलना चाहते राजन, क्या ये ब्राह्मण जो भी आप सामने ये तीन लकड़ी रख करके कुछ संदेश देना चाहता, इसमें कुछ सिद्धांत है, कुछ अर्थ है, इसमें कुछ सार है। राजा कहता है कौन सा सार है इसमें, याद जो लकड़ी है इसमें कौन सा सार है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा संदेश है। देखो महाराजन कहते हो इस जो भी भारतवर्ष में तीन महापुरुष हो गए, इस भारतवर्ष में कितने पुरुष हो गए, तीन महापुरुष हो गए। पहला आदिनाथ भगवान हो गए, सभी कर्म को नष्ट करके मुक्त हो गए, उसका प्रतीक एक लकड़ी है। और दोबारा दूसरा हो गए एक हनुमान हो गए, सोने को लंका को जल करके भस्म कर दिया, उसका प्रतीक है दूसरा लकड़ी है। और तीसरा कौन सा, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया अर्जुन ने, वो उसका प्रतीक जो भी ये तीसरा लकड़ी है। अब जो भी आप लोग ताली बजा रहे हैं उसका तात्पर्य है राजन ये तीन लकड़ी आपके रख दिया, अब ये ब्राह्मण आपको संदेश दे रहा है, क्या दे रहा है। अब देखो कोई ऐसा हो गया इस भारतवर्ष में गरीबी को हटा करके नष्ट करके उनको अमीर बना दे, ऐसा कोई माया का लाल हो तो बताओ, आपके सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया इस ब्राह्मण ने। बस राजा का मन बदल गया, क्या है सभी का गरीबी में हटा नहीं सकता, कम से कम इस ब्राह्मण को तो मैं अमीर बना सकता हूं। उनने परात भर करके जो भी सोना चांदी हीरा मोती कपड़े लत्ते सगड़े भर दिया गाजे बजे के साथ, उनको भेज दो कहते घर तक। उस ब्राह्मण को जो भी भेजा गया, धनंजय कवि ने दिया धारा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना ज्ञान का प्रयोग किया, उपयोग करके एक व्यक्ति का संकट दूर कर दिया, इतना नहीं उनको धन दौलत भी दिला दिया, उनकी गरीबी को ही दूर कर दिया। उसी प्रकार यदि आप लोग उपकार कर नहीं सकते अपकार तो मत करो, अपना ज्ञान का उपयोग करके उसको उपकार किया करो। जिसके रास्ते में फूल बिछा नहीं सकते कांटों के मत बिछाओ, अमृत दे नहीं सकते आप जो भी विष तो मत फुलाओ, मरम पट्टी लगा नहीं सकते तो डंडा तो मत मारो। तो आपका प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करके उपकार करके आप दूसरों का संकट दूर कर सकते हैं, और आप भी जो भी संकट से दूर हो सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से सुखी बन सकते हैं, दूसरे को सुखी बना सकते हैं, ये मनुष्य पर क्या सार्थकता है। उसी प्रकार आप सभी लोग अपने ज्ञान का प्रयोग करें, उसके माध्यम से धर्म करते हुए आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए निमित्त बने, आप सबका कल्याण हो। इसी भाव से बोले महावीर भगवान की वाणी के ज्ञान से सोजे लो का लोग सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।